नीचे। बहुत आला भाई, खवातीन और हज़रात, वेलकम टू हंसना मनाए प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। हैं बहुत आला। आज की जो हमारी गेस्ट है, सबसे पहले तो उनको बुलाने से पहले आप सबको ईद मुबारक। थैंक यू। आज के जो हमारे गेस्ट हैं भाई, एक ऐसा कपल है जो बिल्कुल हमारे घर की तरह है। हमें जब भी जरूरत पड़ती है हम इनको बुलाते, हमें जब भी हंसने का दिल करता है हम इन्हें बुलाते। आज ईद का मौका है तो खुशियां बांटने का मौका है, तो फिर से आए हैं बनके मेहमान। मेरे साथ मौजूद है मरियम नफीस एंड अमोर। क्या निकल गया, टूटना शुरू हो गया। और लो सस्ती चूड़ियां। बेटा ये होता है आर्टिस्ट, ऊपर ऊपर से फैंसी, अंदर से ये क्वालिटी है। बैठने बैठने से पहले भजन, आप दोनों खड़े होंगे, पहले यूं खड़े होंगे, राइज। हमारे शो की रिवायत है, जो गेस्ट आता है वो एक अच्छा शेर सुनाता है, तो आप में से कौन अच्छा है और कौन शेर सुनाएगा? अच्छा मैं हूँ। शेर ही सुनाएंगे आप? सुनाएंगी? सुनाइए। ये जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, ये जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या छिछोरापन है जो छुपा रहे हो? मैं आज स्कोरिंग करने आया हूँ। आपके पास कोई शेर है, कोई बेइज्जती वाला शेर है? प्लीज बैठे, तशरीफ रखे, तालियां होनी चाहिए। ये बहुत पुराने जमानों में होता था कि जब लोगों का करियर नहीं चल रहा होता था, लड़कों का, वो शेव कर लेते थे। ठीक है, तो ये आपने क्या करने की कोशिश की? अभी भी नहीं चलोगे? अच्छा मुझे छोड़ो ना ये सब बात, तो अच्छी सस्ती ठंडी जुगत। वैसे तुमने अच्छा किया, एसी नहीं चल रही, अच्छी बात किया। मैं ये बात अच्छा ऐसी भाई, तो भाव बताओ मरियम, बैक स्टेज मेरी बहुत बेइज्जती करती है, क्योंकि मैं ऐसा पैसे लिए बगैर बेइज्जती करता भी नहीं ना, तो मैं खामोश रहता हूँ। तो मरियम अमान कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। खुश हैं? बहुत बहुत आपको ईद मुबारक। बहुत हैंडसम लग रहे हैं मुझे, ऐसा लग रहा है वो शादी की एक रात बाद जब वो वालदेन के घर आते हैं ना कपल, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। बहुत जाहिर है ईद का शो है, मतलब तैयार होना था। ऐसा कैसा फीका साटा भाई? ऐसा है मुझे इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती, मैं टैलेंट से निकाल लेता हूँ ना सारा काम। दोबारा बोलो, सुनाई नहीं दिया, तालियां बज रही थी मेरे लिए। जो लोग तैयार होते हैं ईद पे वो टैलेंटेड नहीं होते आपके ख्याल में? मेरी बात सुनो मरियम, कैसा लग रहा है कि भाई फेमस ना होने के बावजूद तीसरी बार हंसना मनाए पे? यार एक्चुअली सीन ये है कि कोई आने को तैयार नहीं होता आप लोगों के शो पे। अच्छा, तो फिर बार बार तीन जो हम रूहें बुला रहे हैं, तीन दिन रूह आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं। मुश्किल से नहीं, देखिए ये मुझे तो ज्यादा बजट देते नहीं है, बनता भी नहीं है वैसे, अगर मतलब ऐसा लोगों को ज्यादा बजट पे बुला लेते हैं, वरना वो आना नहीं चाहते। चलें ठीक है, मैं ये पॉइंट्स आपको दूंगा। अमान आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, और मैंने ये हैरत अंगेज कहानी सुनी हुई है। डीजे ब्रावो जो थे वो एक वेस्ट इंडीज के बड़े कमाल प्लेयर, आप सभी जानते होंगे उनका गाना। उन्होंने आपसे रातों रात फरमाइश की, अमान मुझे इसकी वीडियो चाहिए, शामो शाम फरमाइश की कि मुझे इसकी वीडियो भी चाहिए। तो आपने सुबह सुबह वीडियो तैयार भी कर दी, और उसी वक्त कर दी, वो हिडन कैमरे से भी नहीं बनी हुई थी, वो पक्की वीडियो थी। कैसे, क्या था ये? बस वो ऐसा था कि हम शारजा स्टेडियम में कुछ और रिकॉर्ड कर रहे थे। क्या 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 स्टेडियम में रिकॉर्ड कर लिए? क्रिकेटिंग शो ही था, सुना था कयामत के जमाने में ऐसा वक्त आएगा कि लोग खुलेआम रिकॉर्ड कर लेंगे। और मैचेस में अच्छा रिकॉर्डिंग भी सर ग्रेट विव रिचर्ड्स। हाँ वो भी मैं सुनूंगा, लेकिन ये डीजे ब्रावो साहब मिले कैसे? थी तो ये डीजे साहब बैठे हुए थे, डीजे ब्रावो, एंड ही कॉल्ड मी, उन्होंने कहा कि इनको बुलाओ, और उन्होंने मुझे अपना गाना सुना दिया। मेरी इनसे कोई थी नहीं इतनी ज़्यादा, तो गाना सुन रहा, जब गाना सुना तो उन्होंने कहा जी आई वॉन्ट अ वीडियो। ये उस ज़माने में ना PSL आधा उधर होता था, आधा पाकिस्तान, आप हम वापस आ ही रहे थे, तो हमने कहा ठीक है हम कराची जाके इसको देख लेते हैं शूट, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेल रहे थे। उन्होंने कहा नहीं मुझे वीडियो अभी चाहिए, और शाम था मतलब सनसेट ऑलमोस्ट होने वाला था, ये लोग रैप अप कर रहे थे अपनी प्रैक्टिस, तो वो कोई आधे घंटे में हमने वीडियो शूट की। आधे घंटे में क्या ही रिकॉर्ड हुआ होगा? प्लेन में एडिट की और बस। अच्छा उसमें सब कर भी तो यही रहे हैं बस। ब्रावो यही कर रहे हैं ना, जैसे अपना हक मांग रहे हो, इधर ला। तो लेकिन उसका जो इंटरेस्टिंग एक पार्ट ये था कि वो एक इंडियन
प्रीमियर लीग के भी वो प्लेयर हैं, तो जब उन्होंने ये देखा कि ये इतनी आसानी से बन गई, तो वो अक्सर वो हमेशा हर साल ना हर क्रिकेट लीग के लिए अपने गाने तैयार रखते हैं वो, कि यहाँ इधर फिट कर दो, यहाँ दूसरा उधर फिट कर दो। तो वो अब बड़ी शाहरुख खान की टीम के लिए थे, तो वो वहाँ एक पार्टी में हम मिले, तो वो वहाँ उनको समझाना ये चाह रहे थे कि ये तो आसान काम है, तो आधे घंटे में बन जाता है। आप क्या बकवास कर रहे हो, लड़का कराची में बना रहे हैं आप क्या? अच्छा, वो भी परेशान हो गए, तो वो कोई उन्होंने ऐसे फ़ोन पे वो बात कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे ही मेरी तरफ मोड़ा है, तो उस तरफ शाहरुख खान थे, कुछ समझ तो नहीं आया क्या हुआ। हाँ, वीडियो कॉल पे उन्होंने बस इस तरह किया, साहिर भाई, साहिर भाई। नहीं, मैंने चेक किया, वो साहिर नहीं, चला के चेक किया, चला के। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग, लेकिन वो ना किसी के पास कोई एविडेंस है उसका, ना उसकी किसी ने तस्वीर खींची, तो वो बस वो एक, हाँ, एक आप जो कह रहे हो हमें मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अमान भाई एंड मरियम, अमान से ही पूछूंगा, ये सानिया कैसे हुआ? सानिया है मरियम कैसे? ये एक हमें अगेन काम पे ही मिली, म्यूजिक वीडियो आप लोग काम पे ध्यान क्यों देते हैं? हर जगह इधर उधर ध्यान है आप लोग। चलो खैर, तो लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि काम पे मैंने इनसे बिल्कुल कोई बात नहीं की, मैंने भी नहीं की थी, इन्होंने भी नहीं की, मैंने भी नहीं की। ठीक है, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, और आपने कहा मैं इनसे क्यों मुंह लगूं भाई, असिस्टेंट डायरेक्टर आप बात करो। इनके लिए दे दिया कि जो इनकी जो डिमांड्स हैं जो भी हैं, वो बस हेलो किया और बाय किया। ठीक है, फिर इनके कुछ वीडियो जब खत्म हो गई, शूट हो गई, और ये कोई एड था, कोई गाना था, कोई म्यूजिक वीडियो थी, म्यूजिक वीडियो बिलाल खान की। अरे, तो उसमें वो थे भी बड़ी मुश्किल, क्योंकि वन टेक सॉन्ग था। अच्छा। तो उसमें बड़ी रिहर्सल्स थी, बड़ा हमने कोरियोग्राफ किया हुआ था उसको। खैर, एनीवेज, जब हो गया सब कुछ, तो इनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज चल रहे थे, वो वीडियो रिलीज नहीं हो रही थी, तो इनको किसी और ब्रांड ने, तो आपको पता है इनकी तो ब्रांड टू ब्रांड चल रही है, तो इन्होंने फिर मुझे कॉल किया, इन्होंने कहा कि वो असिस्टेंट से अब ऊपर लेवल पे बात चली गई ना, वो एस्केलेट हो गया, वो कर नहीं पा रहा था सॉल्व इनके मसले। तो फिर मेरे पास आया फोन, फिर हमने कहा भाई ये मसला जरा मुश्किल है, इसको जरा मिलके करते हैं डिस्कस, क्योंकि इतना मिल गया एक मसला सुलझाने के, वो पैसे आपने इनको मेहर में दिए, जिंदगी भर का मसला मैंने अपने ऊपर। आपका वर्जन ऑफ स्टोरी भी यही है? हाँ, यही हुआ था। तो अमन ने पहला क्या था, अमान ने पहले पहल की या आप ही? हम दोस्त थे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, आई थिंक 6 months और सो। लॉन्गेस्ट टाइम तो आपने ऐसे कहा जैसे मतलब पैदा ही साथ हुए थे। और द लॉन्गेस्ट 6 महीने से हम साथ। इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग, आपको पता है आजम खान हमारे साथ होते हैं हर बार, बैठे अभी भी बैठे हैं, तो वो उन्होंने भी ये सवाल पूछा आपसे, हमने कहा भाई अब तो वीडियो दिखा देते, हम तो घर पे बैठे हर चीज की वीडियो तैयार, तो हमने वीडियो दिखाई उनको जिसमें हम मिले। हाँ। तो उस वीडियो का जो सीक्वेंस है उसमें ये कि ये काली टैक्सी नहीं जो कराची में जी 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 काली पीली वो उसमें आती है ये और उससे उतरती है टैक्सी से। तो उन्होंने कहा अमान भाई जरा पॉज करें, पॉज करें। हमने पॉज किया, तो इसको कहते हैं कि तुम्हारी तो किस्मत बदल गई, तुम तो काली टैक्सी से ऑडी में आ गई। तो इसलिए किया, लड़के के पास ऑडी थी, तबीयत ठीक है किस लिए? अच्छा मुझे बात बताओ, इनका छोटी गाड़ी होती 800 cc गाड़ी, तो यूं करके जा रहे होते। एक मेरी बात सुने, 50 का पेट्रोल, 3 का तेल। एक मिनट मेरी बात सुने, जब हमारी शादी हुई है तब इनके पास ऑडी नहीं थी, शादी के बाद आई, यानी शादी से पहले आई है बट मेरे सामने आई। इनके पास पहले बड़ी गाड़ी थी, मतलब आप तो शादी की छोटी हो। क्या कह रहे, होती जा रही है छोटी। अच्छा, गाड़ियों से याद आया, गाड़ियों का जिक्र आया, मरियम नफीस माशाल्लाह से काफी प्रो पीटीआई, खान साहब की बहुत बड़ी फैन। मरियम, ऐसा क्यों है कि माशाल्लाह सब टीयर ए के लोग गिरफ्तार हुए, आप वहां पे भी नहीं गिरफ्तार हो पाए? ऐसा क्यों हुआ, आपके साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया, वो अरेस्ट क्यों नहीं किया? मैं नहीं होना चाहती अरेस्ट भाई, कोई क्यों आना चाहेगा? अच्छा, पूरी इंडस्ट्री खामोश थी, आपने काफी स्टैंड लिया, तो आप अपने प्रिंसिपल्स पे यूजुअली इसी तरह स्टैंड लेती हैं या रिग्रेट कर रही हैं अभी कि बहुत ज्यादा बोल गई, ऐसा नहीं करना चाहिए था? नहीं, मैंने ऐसा कुछ खास बोला नहीं है, आई ऑलवेज स्टैंड अप फॉर व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन द कंट्री, एंड इट्स नॉट लाइक आई एम अ ब्लाइंड सपोर्टर। ये सवाल मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, एक प्रोड्यूसर से आपने स्क्रिप्ट मांगी देखने के लिए, उन्होंने मना कर दिया आपको, मैं नहीं दूंगा स्क्रिप्ट। कौन था वो? अच्छा, मुझे नाम भी नहीं पता उनका, इतना आपने इग्नोर कर दिया उन्हें? इतना मैंने, ही इज जस्ट लाइक, मैं एक ड्रामा बना रहा हूँ तो आपके पास डेट्स हैं? मैंने कहा जी डेट्स तो हैं। तो फिर आप ऐसे 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 इतने टाइम में शुरू हो रहे हैं, काफ़ी पुरानी बात है, 4-5 साल हो गए प्री कोविड, एंड देन ही गोज लाइक कि तो फिर आपकी अवेलेबिलिटी, मैंने कहा वो तो ठीक है लेकिन आप मुझे स्क्रिप्ट भेजें पहले, आई वांट टू रीड द स्क्रिप्ट, एंड देन ही गोज लाइक नहीं ये आजकल की लड़कियाँ स्क्रिप्ट मांग रही हैं, अपने आप को दीपिका समझना शुरू हो गई। ठीक है भाई, नहीं भेजो, गुस्सा क्यों कर रहे हो? अच्छा, बहुत बड़ा क्राउड आया हुआ है, बहुत बड़ा क्राउड आया हुआ है, तो ज़्यादा ही है जितना हमारे शो में आ रहा था, है उससे तो ज्यादा ही जितना ये, इस उम्मीद से आए कि इस बार शायद आप कुछ अच्छा कर लो। तो, हाँ, लो पहला किसका
पहला किसी 4-5 मीमे बन चुके। बाय द वे दोनों दोनों गेम्स मैं जीती थी, जस्ट बाय द वे। किसी को याद नहीं किसकी बात हो रही, ये हंसना मना क्या क्राउड है। देखो भाई कौन है वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शनीला। शनीला क्या करती हो तुम? मैं स्टडी कर रही हूँ बैचलर्स इन पब्लिक हेल्थ। वेरी नाइस। कोई सवाल लाई? यस पूछो ना। मेरा आपसे सवाल है मरियम, मतलब आपने बहुत ज्यादा रोल्स किए हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव, आप मतलब किसको ज्यादा एंजॉय करती हैं करने में ड्रामास में? बड़ा काम मिल जाए बस ये वही एंजॉय करती हैं। बड़ा लगाऊंगी एक बार। अच्छा ना बताओ ना मरियम, सीरियस रोल्स या नेगेटिव रोल? नेगेटिव रोल। नेगेटिव रोल ज्यादा पसंद करती है क्यों? इजीली हो जाते हैं। आपकी वजह से दूसरा बंदा ज्यादा फनी लगेगा ये। अगला कॉल। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद उस्मान। उस्मान क्या करते हो तुम? स्टडी बीएस टेक्सटाइल्स हैं। बीएस टेक्सटाइल कर रहे हो, वेरी नाइस। कोई सवाल है? जी मेरा अमान भाई से सवाल है कि मरियम ने एक ड्रामे में किया था मोहब्बत ना करियो में करेक्टर किया था ननंद का, तो इन्होंने बहुत गुस्से वाला नेगेटिव किया था, क्या रियल लाइफ में भी ऐसा है? अमान क्या गुस्से में रियल लाइफ में ऐसी गुस्सा करती है या नरम मिजाज है? नहीं नहीं गुस्सा नहीं करती, ठीक है, सही आता है। सही आता है गुस्सा? गुस्सा नहीं आता। कोई तो शिकायत होगी इससे। मैं आपको अलग से बता। अच्छा नहीं क्यों जा रहे हो? आप भी मुझे बाद में बाद में क्या कह रहे हो? मिलिएगा तो आप भी मुझे बाद में बेटा। ये जो आपने मुझे आपने कमीज पहनी माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, इसके लिए बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कमीज ये पहन। तुम बेटा यूजुअली ऐसे चमक थमकते कपड़े पहनते हो, शौक है इस बात का? नहीं तो अच्छी लगी मैंने ले ली। अच्छी लगी तो तुमने यूजुअली तुम्हें इस तरह की चीजें अच्छी लगती चमक धमक वाली। और अच्छी चीज लिया मत करो यार। जरूरी थोड़ी कुछ अच्छी चीज वही रखी रहने दो ना यार, हर चीज अच्छी है ले लो भाई। आदमी बहुत अच्छे कपड़े पहनता है ना। मैंने उसको कहा कि अच्छी चीज है वहां रख, मैं ले लेता यार, ये ले आया शॉर्ट हो गई। डिजाइनर्स हैं वही चीज पहनेंगे जो सबसे डिफरेंट हो। बेटा पहनो ही नहीं कुछ बिल्कुल डिफरेंट। तो केले के पत्ते बांध ले डिफरेंट होगी। लेकिन आप इस लोग ऑलमोस्ट केले के पत्ते ही बांध के आ रहे हैं शो पे वैसे। यार आप किन पे तंजीय टेंस कर रही हो? अच्छा लेकिन मेरी जान में इसका मकसद ये नहीं था कि बुरी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है और ये बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है इस तरह के कपड़े पहनने के लिए और आप में है, वेरी नाइस। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरुज फातिमा। अरुज क्या करती है? BMIS। BMIS ये क्या होता है? मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। अरे भाई ये रेडियोलॉजिस्ट टाइप कुछ होता है? जी जी। वेरी नाइस। कोई सवाल है? मरियम मेरा सवाल आपसे ये है कि इंडस्ट्री में जितने भी एक्ट्रेस हैं वो पहले लेट शादी करते थे, मगर जो अब एक्ट्रेस आ रहे हैं वो जल्दी कर लेते हैं, ऐसा क्यों? हाँ ये एक अच्छी रविश आई है, अच्छी है बुरी मुझे नहीं पता, आप बताएंगी। लेकिन कुछ लोग पहले बड़ी उम्र में करते थे, अब ठगाटक कर रहे हैं हाथ के हाथ। आई थिंक अब वो ट्रेंड चेंज हो रहा है ना कि और लड़कियां शादी कर लेंगी तो उनको काम नहीं मिलेगा, उनका फेम खत्म हो जाएगा। इट्स पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग रियल टैलेंट। तो आपने अगर शादी कर ली तो क्या हुआ, आप एक्टर हैं, आप उसी तरीके से। ऑल्सो आई फील लाइक लड़कियां इसलिए शादी नहीं करती थी क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं थी नाउ ससुरालों में। ससुरालों में नहीं थी, शोहर अच्छा काम नहीं करने देते थे, ये वाले इश्यूज आते थे। बट नाउ पीपल आर अकोमोडेटिंग, मेरे शोहर हैं काम करने देते हैं, ऐसे बहुत सारे शोहर हैं अच्छे अच्छे जो काम करने देते हैं, ससुराल बहुत अच्छे हैं। कुछ इतने अच्छे होते हैं बीवी से बोलते हैं अय्याशी करो बस बेटा, काम वाम मत करो बिल्कुल। बेचारी बहुत ही गुर्बत में जिंदगी गुजारी है, चलो ठीक है कॉम्प्रोमाइजिंग। कोई ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी कॉल पे ले लूंगा उसको। फिलहाल ऐसे इल्जाम मत लगाओ। अगला कौन है? थैंक यू अरुज, बहुत अच्छा सवाल था आपका वैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? सलमान। सलमान अब्बास। सलमान अब्बास वाह, बॉन्ड जेम्स बॉन्ड की तरह सलमान। सलमान अब्बास। सलमान सलमान अब्बास क्या करते हो तुम? मैं स्टडी कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ। वेरी नाइस। कोई सवाल जवाब? जी सवाल था, सवाल ये था कि हाउ टू अप्रोच अ गर्ल इन अ सिग्मा वे, ठीक है अल्फा की तरह किसी गर्ल को कैसे अप्रोच करके अट्रैक्ट अपनी तरफ करें। आप तो इंडस्ट्री में काफ़ी चेयर्ड अपना
ओवरव्यू दे रहे हैं तो आपसे कुछ सब जेन जी के जुमले इस्तेमाल कर लिए, सिग्मा अल्फा चैट सिग्मा अरे भाई यह सिग्मा विग्मा भाई अमान भाई काफी उम्र के इंसान है जस्ट बाय द वे, वो शेव वेव की हुई है बच्चा लगने के लिए, काफी उम्र है लेकिन लेकिन ये फिर भी हमारे फेवरेट है बल्कि सारों में कल की मिठाई खिला दी उसने बासी क्या क्या कह रहे थे बेटा एक और बार बता ना फिर भी हमारे दिलों पर राज करते हैं लेकिन ऐसी लाइनों से ना यही आएंगे हमें एक प्रो अल्फा मिल जाए इतना बहुत है बाकी सारी फिशेस को कैच कर रहा हूं अल्लाह मियां जिसको चाहे आप इज्जत दें यार अमान भाई आप जवाब दो आप आप दें आप नहीं नहीं मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि मरियम जाहिरी बात है खुद भी अल्फा फीमेल है हर फीमेल ही अल्फा होती है वैसे तो लेकिन अमान भाई मुझे लगता है कि मरियम को इंप्रेस करना एक मुश्किल काम होगा आपने किया मुझे लगता है आप एक सिग्मा या अल्फा जो भी ये टर्म्स होती हो गए तो आप बताओ कि किस तरह अप्रोच करें ऐसी खतरनाक खातून को अगर अप्रोच कर ना करें असॉल्ट नहीं होगा मेरे को असॉल्ट नहीं होगा देखो असॉल्ट नहीं होगा थैंक यू बेटा लव यू मैं तुम्हारी करा के दूंगा मैं बता दूं ऐसे मैं बता दूं तो इनमें बताओ हां इनसे पूछो प्लीज मैं बता देती हूं प्लीज पोलाइटनेस रोमांटिसिज्म एंड फ्रेंडशिप दोस्ती है तो प्यार है ये तो कुछ कुछ होता मैं भी सुना है मैंने डायलॉग ये कोई नया डायलॉग ये एक हकीकत है और जी दादा वक्त छोटे से ब्रेक का ब्रेक लीजिए वापस आइए आस्था मना कहीं नहीं जाएगा अच्छी शादीशुदा जिंदगी गुजारने के लिए टिप्स चाहिए कि आपकी शादी कैसे 1.5 साल हो चुके हैं माशाल्लाह बहुत लंबा अरसा होता है ये अच्छा बहुत इनके साथ तो बहुत लंबा अरसा हो गया मैं थोड़ी कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ आपकी शादी का तकरीबन 1.5 साल हो गया है और मेरी शादी भी हो गई है सर पिछले 20 दिन हो गए तकरीबन अरे वाह मुबारक खैर मुबारक सर आप कुछ ऐसे टिप्स बता दे जिंदगी गुजारने के लिए अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए कि आप लोगों ने अभी तक गुजारी है और आगे भी गुजारेंगे सर जिंदगी गुजारने के यस सर आपका आपका भी यही इरादा होगा हर शादीशुदा जिंदगी गुजारने के लिए आपस में दोनों की मतलब लंबी जिंदगी समझ गए इनको अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए टिप्स तो आप इनसे क्यों मांग रहे हो बेटा अच्छी शादीशुदा जिंदगी गुजारने के लिए टिप्स चाहिए कि आपकी शादी कैसे 1.5 साल हो चुके हैं माशाल्लाह बहुत लंबा अरसा होता है ये अच्छा बहुत इनके साथ तो बहुत लंबा अरसा हो गया मैं कह रहा हूँ आप ये देखो 10 मिनट लगे मुझे लड़का सही करने में देखिए सबसे पहली चीज है रिस्पेक्ट ठीक है ना रिस्पेक्ट जितना आप दोगे जितना म्यूचुअल होगा उतना बेहतर है फ्रेंडशिप बहुत ज़रूरी है दोस्ती मियाँ बीवी तो आप हैं लेकिन दोस्त आई थिंक अगर दोस्ती है ना आपके बीच में तो फिर क्लियर कर दें अपनी बीवी से हाँ अपनी बीवी से exactly. और रिस्पेक्ट भी बेटा अपनी भूलनी है ये नहीं कि दूसरे की करनी है अगर अपनी भूल गए तो चलती रहेगी शादी तो ये मेरे ख्याल एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर आप इस पर सही रहे तो फिर आपका सही चलता रहेगा थैंक यू सर द फैक्ट कि लोग स्पेस की बात नहीं करते आपको अपनी स्पेस भी बहुत ज़रूरी चाहिए होती है और बीवी को भी अपनी स्पेस चाहिए होती है हर वक्त एक दूसरे के सरों पे सवार रहना अच्छी बात नहीं होती तो कीप दैट इन माइंड यार हम आधा 90% पाकिस्तान छोटे छोटे 80-80 गज के घर में रहता है इतनी स्पेस ना होती इसका ये मतलब नहीं होता ना मतलब कि क्या बड़ा इंशाल्लाह अल्लाह मुबारक करे आपकी नई नई शादी चले और चलती रहे सर बहुत शुक्रिया आगे आगे अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम क्या नाम है आपका इमान तारिक इमान क्या करती हो तुम बीएस पॉलिटिकल साइंस तो सवाल मेरा सवाल मरियम से है कि आप
ड्रामों में तो बहुत मटपा दुल्हन बन चुकी हैं, जब आप रियल लाइफ में दुल्हन बनी थी तो क्या कोई न्यू फीलिंग थी या आपको लगा ये तो रोज का ही मामला है? रोज का कारण ये सवाल अच्छा है। सवाल को थोड़ा सा एलेबरेट करता हूँ भाई। ऐसा होता है जो एक्ट्रेस होती हैं फीमेल, वो कई बार दुल्हन बनती हैं ड्रामे के अंदर, तो जब असली में दुल्हन बनती है तो ये प्रेशर तो रहता होगा कि यार ऐसी दुल्हन बनूं जो पहले ना बनी हुई हूं। हाँ, है ना? हाँ, तो ये प्रेशर था। ऑफ कोर्स था। लेकिन जब मैं ड्रामे करती थी तब भी आप मतलब सोचते तो है ना कि आपने एक दिन दुल्हन बनना है, तो मैं कुछ चीजें जो नहीं करती थी अपने ड्रामों में, जैसे मैं झूमर नहीं लगाती थी बिकॉज मैं अपनी शादी पे लगाना चाहती थी। Okay. मैं रेड अवॉइड करती थी एट मैक्स, जब तक बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट नहीं होता था मैं रेड नहीं पहनती थी बिकॉज आई वॉन्टेड टू वेयर रेड। बट ऑफ कोर्स आपकी डिफरेंट फीलिंग्स बहुत डिफरेंट होती हैं, आपने सब कुछ अपनी मर्जी से बनाया होता है फ्रॉम स्क्रैच एंड यू नो आपकी इन्वॉल्वमेंट, आपकी फीलिंग्स, इट्स ऑल, इट्स वेरी डिफरेंट। सवात में शादी की मरियम आपने, सवात के अंदर, और डेस्टिनेशन वेडिंग उसमें 100 लोग आपने बुलाए, जिसमें जाहिर बात है मैं नहीं था, सारे सिर्फ बड़े सेलिब्रिटीज, कोई भी नहीं आया लेकिन बड़े सेलिब्रिटीज से कोई भी। तो ये डेस्टिनेशन वेडिंग का इरादा इसलिए बनाया कि यार आप बहुत ज्यादा लोग बुलाना नहीं चाह रहे थे? हाँ। या इसलिए ये भी था वन ऑफ द फैक्टर्स, या ये था कि यार आर्टिस्ट हैं और डेस्टिनेशन वेडिंग हो तो पता चलेगा यार महंगे लोग हैं? नहीं, ये हमें करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको पता था कि आप हैं महंगे। नहीं, इट्स इट वाज, हम बहुत इंटीमेट शादी करना चाहते थे विद द पीपल। इनफैक्ट हमने अपनी फैमिलीज में से भी वो लोग नहीं बुलाए जो जो फप्पो को नहीं बुलाया फप्पे पुतलीज टाइप जो होते हैं ना, मेरी फप्पो आई थी। या बट वी केप्ट इट, वी वांटेड टू कीप इट वेरी स्मॉल, जो लोग हमारे लिए खुश होते हैं, हमारा जिनसे मिलने मिलाना है, जस्ट वेरी क्लोज वंस। हमें असल में हम और छोटा कुंबा लेके जाना चाह रहे थे, थैली में ले जाना चाह रहे थे। ये हमारा चला ये रख। तो वो हम ग्रीस का सोच रहे थे, ग्रीस का सोच रहे थे। तो उसमें हुआ ये कि इनके पास एक डॉग है, सही है, ठीक है। हाँ। अच्छा, उसकी भी ये कहानी है कि पहले जब मैं इनको अप्रोच कर रहा था तो पहले डॉग से अप्रूवल चाहिए था मुझे, कुत्ता अप्रूव करेगा अगर वो मुझे पसंद करेगा तो नेक्स्ट स्टेप है विच इज मॉम और डैड। तो वो आई एम लकी कि वो मैं आई एम गुड विद एनिमल्स, तो इसलिए वो बचत हो गई। खैर, वो डॉग नहीं जा सकता था ग्रीस, तो इसलिए हम स्वात गए, ये हुआ बेसिकली। कोको की वजह से। वो कौन पूछा था अल्फा मेल कौन है? बेटा असली अल्फा तो वो डॉग है। कोको, यस। कोको नाम है। कोको जो है वो मेल है? फीमेल है। भाईजान, कैसे जिंदगी गुजर रही है आपकी? दो अभी वो इनके अम्मी अब्बू के घर पे ही है, हमारे अच्छा, पास नहीं है। अगर वो आप वो ये लाना चाहती हैं? नहीं, ये जाती हैं हर महीने इस्लामाबाद उससे मिलने। ये अलग खर्चा है? ये अलग खर्चा। अच्छा, ये जो डेस्टिनेशन वेडिंग होती है इसमें गेस्टों का खर्चा खुद उठाना पड़ता है? मतलब 100 लोगों का? हमने पूरा सवाद बुक किया था, पूरा सवाद। अब वहाँ से लोग भाग गए? नो नो, एज एन होटल, बिकॉज हमने वहाँ कोको को भी ले जाना था, सो वी डिडंट वांट कि वहाँ पे गेस्ट जो हैं वो तंग हो। तो यार अपनी तो कुत्ते से भी ऐसी जिंदगी नहीं है, बात नहीं जा रही। मैं भी अक्सर कंपेयर करता हूँ ये। अजन, आप मिठाई खाओ, थोड़ी सी खा लो ये। कोको को भी गुलाब जामुन बहुत पसंद है। ये तो बगैर कुत्ते से पूछे खा सकते हैं ना। अगला सवाल किसके पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? खबर फैज। खबर फैज, क्या करती हो तुम? पॉलिटिकल साइंटिस्ट बन रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। सब पॉलिटिकल साइंसेस के? एक ही मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट के बच्चे होंगे। पॉलिटिकल साइंस अच्छी बात है, पढ़ लें लोग, ये नहीं आएंगे पॉलिटिक्स में तो क्या कौन आएगा? बेटा फैज मियां, क्या शेर सुनाओगे? बिन चश्मे गुल जैसे खार नजर आते हैं, आप बिन हम जैसे बेजार नजर आते हैं। हमें तकने के बाद चेहरे का तबस्सुम बदल गया, रंजिश दिल में लिए सरकार नजर आते हैं। क्या बात, क्या बात? माना कि उल्फत नहीं किसी से भी हमें, फिर क्यों वो हर शख्स में बार बार नजर आते हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? अली हमजा। अली हमजा, क्या करते हो? मैं बैचलर्स कर रहा हूँ। ठीक है, वेरी गुड, बस यहीं तक रोको इसे। क्या सवाल है, जवाब है, शायर शेर है, क्या आपसे सवाल है मेरा? कि जैसा कि आप कराची से हैं और वहाँ पे अल्ताफ भाई की बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो आपने कभी सोचा कि उनको इधर लाइव लाएं ताकि वो आपको भी कर सकें? एक पप्पी इधर और एक पप्पी इधर। असल में ले तो पप्पी तक रुकते नहीं है, फिर बहुत लंबी बात चली जाएगी। लेकिन उनको टीवी पे इस तरह लाइव लेना मेरे ख्याल से वो अभी मना है पाकिस्तान में। जब खुलेगा तो फिर उस वक्त देखेंगे, हम ले आएंगे, आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। छोटे मोटे शोज में नहीं आते वो। बहुत देर से
और इन हजरात ये हैं अल्ताफ हुसैन की फैन, कह रही हैं अल्ताफ भाई छोटे मोटे शो में नहीं आते, देख ले गौर जूम कर लेना बेटा, पीटीआई वालों को बताओ ये बात। खातिर हजरात हम एक ब्रेक लेंगे जिसमें इश्तेहार नजर आते हैं। जल्दी से ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना बना कहीं नहीं जाएगा। तालियां। मरियम कभी कैसा हुआ है कैरेक्टर लेकर ही आ गई हूँ घर, ये होता है? नहीं नहीं नहीं, ये कैरेक्टर लेकर नहीं आती, लेकिन ये कभी कभी बहुत खफा आती है वापस, नाराज आती, नाराज आती। नाराज तो हर वक्त ही रहती है। नहीं, नाराज इसलिए कि कुछ हुआ हुआ होता है सेट पे, कुछ लोग इनको पसंद नहीं होते, तो वो फिर इनको फिर कहीं ले जाना पड़ता है, इनको जरा ठीक करना पड़ता है। आप एक अच्छे डायरेक्टर भी हो, बहुत मतलब मूवी में और ड्रामो के डायरेक्टिंग की है आप, तो आप अच्छे डायरेक्टर हैं, तो आप मरियम मैम के साथ मतलब काम क्यों नहीं करते हैं? करते यार, ये देखो ना, तुमने पहला काम तो आपने इन्हीं के साथ पहला है, हाँ एक काम, इनका पहला एक काम, नहीं इनका भी पहला नहीं था, मेरा भी पहला नहीं था, लेकिन हाँ एक काम हमने किया है इनके साथ। तो उसके बाद क्या वजह रही, आप पहचान गए क्या क्या? ये टाइम नहीं देती ज्यादा, इनके इतना कुछ और चल रहा है तो इनसे टाइम देना होगा। जब ये जा रहे थे ना वो हुआ नहीं, मैंने कहा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान। रिजवान क्या करते हो तुम? फिलहाल तो तंग करता हूँ मैं। फिलहाल अभी तंग कर रहा हूँ वहाँ बैठे हुए तुम लोगों को? जी जी। पढ़ते क्या हो? मैं पॉलिटिकल साइंस। सवाल? मेरा सवाल मरियम नफीस से है कि आप कितनी ज्यादा नफीस है? अच्छा सवाल, आप कितनी नफीस हैं, कितनी एटिकेट्स हैं आप पे? मरियम, अमान से पूछता हूँ, हाँ। क्या ये बहुत एटिकेट वाली खातून है या ऐसी है बस जाए ला इधर हाथ से खाऊंगी ये? इसमें भी कोई बुराई नहीं है, अगर आप मजबूरी में दो बार आइस ब्लिंक कर दो यूं। डिपेंड करता है कि लोग कौन है, अगर दोस्तों यारों में तो खुल्ला डुल्ला है, मगर जिस तरह का माहौल उस तरह का हिसाब किताब बना ले। मरियम एटिकेट सारे आते हैं मगर शो उधर करती हैं जहाँ पैसे मिलते हैं। पैसों का एटिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। आप मुझसे पूछो, आप वरना आपने देखा है जब मैं मुफ्त के काम करता हूँ कैसे करता हूँ। नहीं पैसे लेके भी ऐसे ही कर रहे हो, लेकिन चलो ठीक है। अच्छा, एटिकेट्स वाइज आई बिलीव यस, लेकिन नफासत का काफी ज्यादा हाइजीन से भी ताल्लुक है आई बिलीव। नहीं पता नहीं, मैंने कभी खुद की नहीं है प्रैक्टिस। हाइजीनिकली मुझे बड़े मसले होते हैं, बॉर्डर लाइन ओसीडी है मुझे, बट या आई बिलीव। अब ठीक ठाक नफीस हो तुम? ठीक ठाक। घर वर साफ होता है? हाँ, कमरा लोकेशन सराउंडिंग ये सब साफ होता है? इतनी बड़ा, इतनी नफासत होती है, और इससे आगे तो फिर वो है तखवा। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम रखा हुआ तुमने? उष्णा शहर। उष्णा शहर, उष्णा क्या करती हो तुम? मैं हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट कर रही हूं। अरे वाह वाह वाह। सवाल पूछोगी मरियम से या इग्नोर करोगी? सर से सवाल है मेरा। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि मरियम तो ड्रामों में एक्टिंग करती हैं, लेकिन जब वो घर पे होती हैं तो कभी वो एक्टिंग कर रही हो तो आपने कभी पकड़ लिया हो उन्हें? अगर अभी कभी आपने इनकी एक्टिंग में नुक्स निकाले, इतनी हिम्मत है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम देखते ही नहीं अपना काम। हाँ यार, ये आप सिर्फ आपकी फीलिंग नहीं है। अच्छा ये बताएं, ये बताएं अमान के मरियम कभी कैसा हुआ है कैरेक्टर लेकर ही आ गई हूँ घर, ये होता है? नहीं नहीं नहीं, ये कैरेक्टर लेकर नहीं आती, लेकिन ये कभी कभी बहुत खफा आती हैं वापस, नाराज आती, नाराज, हाँ, नाराज तो हर वक्त ही रहती है। नहीं नाराज इसलिए कि कुछ हुआ हुआ होता है सेट पे, कुछ लोग इनको पसंद नहीं होते, तो वो फिर इनको फिर कहीं ले जाना पड़ता है, इनको जरा ठीक करना पड़ता है। सुकून है, सुकून है। तो हाँ, 100 लोगों को ले जाना पड़ता है सवाल। और आपका जो सवाल है, अपनी एक्टिंग ये नहीं करती घर पे, ये बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है। घर पे भी नहीं। देखिए मैं वैसे ही बहुत कुछ बोल चुका हूँ, मेरे आज का कोटा खत्म हो चुका है। चलो अगला कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैडम आपका? समीरा शहजाद। समीरा शहजाद मैडम, क्या करती हैं आप?
मैं टीचर हूँ. किस चीज़? पाकिस्तान स्टडीज़ में. वेरी. हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों पढ़ाती हूँ ओ लेवल क्लासेस को. तो मेरा क्वेश्चन मरियम साहब से ये, आप नेगेटिव रोल्स को बहुत इन्जॉय करती हैं, तो आपको लगता नहीं हमारी सोसाइटी में पहले नेगेटिविटी इतनी प्रिवेल कर चुकी है, तो फर्दर वो ऐसे ड्रामे देख देख के वैसे ही हम डिप्रेस हो जाते हैं? हमें तो एंटरटेनमेंट चाहिए ना. वो चीज़ घरों में सारी प्रिवेल कर रही है, उससे वो बच्चों में आ रही है, और हम स्कूल्स में देखते हैं कैसे नेगेटिविटी जो है बच्चे कैसे उसको लेके आ रहे हैं. तो उसको क्या करेंगे फिर आप? कोई अच्छे रोल्स नहीं हैं? अस्सलाम वालेकुम. आपकी बात के ना दो जवाब हैं. एक तो ये कि हमने बहुत कोशिश की है ऐसे ड्रामे बनाने की जिसमें नेगेटिविटी ना हो, लेकिन वो चलते नहीं, लोग नहीं देखते वो कंटेंट. इट्स ये काफ़ी पिछले कई सालों से जो है ये एक्चुअली लोग काफ़ी करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ना इतना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट दिखाएं नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का, और हम कुछ ऐसा करें जो एजुकेट करें लोगों को, कुछ डिफरेंट हो. हम अपने हद तक तो कोशिश करते हैं, बट एज एक्ट्रेस मैंने जितने कैरेक्टर्स किए भी हैं, मैं आपको ये बताऊँ कि वो इस नॉच पे जो है अगर लिखे हुए होते हैं ना नेगेटिव, तो आई ब्रिंग देम डाउन. कि थोड़ा रियलिज्म, हम काफ़ी ज़्यादा स्टार प्लस को देख देख के थोड़ा सा इम्प्रेस भी हो जाते हैं ना. बट आई ऑल्सो फील लाइक कि आप देखें अभी जितने भी ड्रामे चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप, काफ़ी गलत मैसेजेस भी दे रहे हैं. पीपल आर वॉचिंग दैम, पीपल आर इन्जॉइंग दैम. वो अगर मतलब वो लोग स्टार्स बन गए हैं अगर वो स्टार्स नहीं थे तो, यू नो. सो आई फील लाइक कि लोग शायद ये देखना भी चाहते हैं. आपकी जैसी खवातीन भी हैं जो नहीं ये कंटेंट देखना चाहती हैं, बट देयर इज अ ह्यूज चंक जो एंजॉय करता है ये सब कुछ देखना. तो फिर हम उनके मतलब मैडम हम लोगों को भी तो घर रोटी लेके जानी ही. राइटर्स जो हैं उनको इस चीज के ऊपर करना चाहिए कि आपका इसका इम्पैक्ट आपकी सोसाइटी में क्या आ रहा है. आप ठीक कह रही हैं. और इसीलिए आई थिंक हमने कॉमेडी शोज बनाना शुरू किए हैं जो रमजान में चलते हैं, वो काफी लाइट हार्टेड होते हैं. बट ज्यादातर आई थिंक दैट्स द कंटेंट दैट सेल्स. थैंक यू मैडम, ताली होनी चाहिए. मैडम ने अच्छा सवाल पूछा. वालेकुम सलाम. क्या नाम है भाई? मुइज अली. मुइज क्या करते हो? मैं बीएस पोल साइंस करता हूँ. पोल साइंस पॉलिटिकल साइंस. कोई सवाल? जी मेरा मरियम से सवाल है कि आपने आपको अमान के अंदर ऐसा क्या नजर आया जो किसी ऐसा ठहराव मुझे भी चाहिए जिंदगी में थोड़ा सा. आपको अमान के अंदर ऐसा क्या नजर आया जो किसी और में नहीं आया? अमान के अंदर ऐसा क्या नजर आया? अमान के अंदर क्यों बज़ाहिर क्या नजर आया? अंदर क्या किडनी पसंद आ गई? आदमी जो है ना बहुत ज़्यादा भाव गाना शुरू हो जाएगा, लेकिन चल कान बंद करें. सो अमान की एक सबसे अच्छी बात यह है कि ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, ही इज़ वेरी अकोमोडेटिंग, ही इज़ वेरी ईजी गोइंग. तो आपको एज अ लाइफ पार्टनर मुश्किल लोगों के साथ ज़िंदगी नहीं गुजर सकती, और स्पेशली जैसा हमारा काम है उसमें वी नीड अंडरस्टैंडिंग पीपल. एंड सेकेंडली आई थिंक हमारी दोस्ती बहुत ज़्यादा है, सो दैट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट. कि हम और अमान अमीर भी बहुत हैं बेटा. फड्डे को तैयार रहता है ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है. हर वक्त फड्डा. आखिरी सवाल, बासानी फ्रॉड करने की सलाहियत किस में है? भाई वाह, हर वक्त फड्डे को तैयार, फ्रॉड करने की सलाहियत, वाह वाह, बिल्कुल पीटीआई के लिए टेलर मेड. घूमते होंगे सड़कों पर भी, शॉपिंग मॉल्स पे भी. मरियम के लाखों करोड़ों फैंस तो नहीं है, मगर 100-200 फैंस जो हैं मरियम के. अच्छा, जो ये फैंस आते होंगे तस्वीरें खिंचवाने, अब जाहिर बात है आप तो कैमरे के पीछे के आदमी हैं, आपका चेहरा टीवी पे इतना नहीं आता, तो इनको ज़्यादा पहचानते होंगे. तो कभी कोई अनोखा वाकया हुआ है इसको लेके? हम एक दफ़ा मॉल गए हुए थे, तो अच्छा इनके जब फैंस आते हैं ना तो उनको एक खास तरीके से तस्वीर भी चाहिए होती है. हाँ मैडम भी चाहिए भाई, दो लोग आए हैं तो एक तस्वीर खींच ले एक साथ खड़ा हो जाए. नहीं, उन्होंने दोनों ने साथ खिंचवानी थी. ठीक है, तो फिर मैंने खींची. अच्छा ये खिंचवा के ये तो फ़ौरन कहते हैं शार्ट हो गया, शार्ट हो गया. तो अब मैं कैमरा देना उनके वापस, फ़ोन देने वापस गया, तो मैं डिस्कस हो रहा हूँ. अच्छा बंदा सुनता है कि अच्छा मैं भी वॉक कर रहा हूँ, लेकिन आहिस्ता वॉक कर रहा हूँ कि वो पीछे से आ रहे हैं. और मैं ये कौन है?
अब उनमें डिस्कशन ये चल रहा है कि इसकी भी तस्वीर ले लें, क्या पता कुछ हो ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट पे, अभी से ले लो। तो फिर एक बंदे ने सोचा यार ये है कौन, तो दूसरे ने कहा ये कुछ भी नहीं है। होता उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि जब हम कभी फैंसी रेस्टोरेंट जाते हैं और जब एक लंबा चौड़ा बिल आता है तो मैं कहता हूँ भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। यार रहमान भाई, भाईजान कुत्ते से अप्रूवल। आपको आप फिर मिठाई खाओ यार, थोड़ी मिठाई मैं आपको बिल्कुल मीठा करके भेजूंगा। ये शादी से पहले की बात है क्योंकि हमने डिस्क्लोज भी नहीं किया हुआ था अपना कुछ भी। सो दैट आल्सो काइंड ऑफ वर्क्ड। अच्छा, लेकिन अब ऐसा है गेम खेलेंगे, गेम का नाम है तू तू मैं मैं। लाओ भाई बोर्ड लेकर आओ, गेम नहीं कुछ भी नहीं करना, वो मैं ही बड़ा अच्छा कर लेते हैं। बहुत भारी है भाई ये वाकई में। एक पेयर आपका, देखो बहुत भारी है, एक आपका। अब होगा ये, मैं पीछे आ जाता हूँ वलीमा सेटिंग में। होगा ये कि सवाल आएंगे, अब आपको अमान सवाल में अगर ये लगता है ना कि ये काम मरियम ज़्यादा करती हैं तो आप उठाएंगे तू, और आपको अगर लगता है कि आप ही ज़्यादा करती हैं तो आप उठा लेंगी मैं, वरना आप उठा लेंगी तू। जब भी आपका मिसमैच होगा ना तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों अग्री करते हैं किसी चीज़ पे इसमें अगर, ठीक है। जब इनका अलग अलग होगा तो आप शोर मचाएंगे, जब एक सा होगा तो फिर मैं शोर मचाऊंगा। अच्छा दिखा, अमान आप उधर चले जाओ, आप उधर चले जाओ ताकि आप बचे भी रहो। मैं यहाँ ना खड़ा हो जाऊँ, बैठ जाऊँ हमारे इतना भाई हो भाई, कितना सादा आदमी है यार। मैंने कहा पता नहीं कहाँ भेज रहे हैं, सेट छोड़ के जा रहे हैं। मैं चलो भाई, ये हॉट सीट है ना, इस पे कहाँ दिखाओ। कौन ज्यादा सुस्त है? मैं बोला ना, मैच कर गया, मैच कर गया। अगला दिखाओ बेटा, कौन ज्यादा झूठा है? अब लाऊंगा, अब लाऊंगा, अब करता हूं मैं, दुगली मारता हूं। मैं झूठा हूं, मैं बदमाश हूं, मैं, अरे भाई क्या हो गया भाई, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं। किसके दोस्त ज्यादा अजीब से हैं? दोनों के दोस्त अजीब से हैं, वो भी ये कह रहे हैं। नहीं, मेरे तो बहुत थोड़े से दोस्त हैं। इनके बहुत खतरनाक दोस्त हैं। हाँ मुझे पता है, उस्मान बट नहीं नहीं वो ठीक है, वो ठीक है। आजम खान नहीं, ये मेरा दोस्त है। एक्सक्यूज मी, इमाद वसीम वो भी मेरा दोस्त है। नवीद रजा वो भी आपके, चलो ठीक है, अजीब से हैं दोस्त नहीं, ठीक है। अगला, पैसे के मामले में ज्यादा कंजूस कौन है? ये तो कोई भी नहीं, नहीं कोई भी, कोई भी नहीं। अगला भाई, कौन हर वक्त फड्डे को तैयार रहता है? ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है। हर वक्त फड्डा। आखिरी सवाल, बासानी फ्रॉड करने की सलाहियत किस में है? भाई वाह, हर में फड्डे को तैयार, फ्रॉड करने की सलाहियत, वाह वाह, बिल्कुल पीटीआई के लिए टेलर मेड। अच्छा भाई अमान, इस बार ये हुआ कि आप क्योंकि डायरेक्टर हैं तो शूटिंग के लिए जगह जगह जाना पड़ता है, तो एक बार आप कुछ सिंध के इंटीरियर गांव में गए जहाँ पे डाकुओं का बेसिकली एक वो डिफेक्टो हुकूमत थी। जी जी, तो ब्लाइंड फोल्ड करके लेकर गए आपको एक सर्टन एरिया पे, उन्होंने कहा कि जी यहाँ आप पट्टी बांध, पट्टी बांध के, तो आपने फौरन बांध ली या आपने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं करें? नहीं बांधी, और पहले दिन तो ठीक दूर दूर रहे, उन ज़्यादा हम इंटरेक्ट नहीं किया, बट तीसरे दिन तक हम सेल्फीज पे आ गए थे क्रिमिनल्स के साथ। सर यू वाली खेल, अच्छा दोस्ती यारी हो गई, हो गई यारी। तो क्या कुछ अच्छा उसमें बड़ा मज़े का ये था कि जब आप जाते हैं ना तो एक चौकी आती है, उसमें आपने एंट्री करनी होती है, आपने कुछ शक्लें देखनी होती हैं। अच्छा, अंदर जाए अगर आपको ये मिले तो आपने वापस आके बताना है। प्रॉब्लम ये था, हमने जाके उन्हीं के साथ काम करना था, तो जब हम बाहर आए जब उनसे पूछा गया कि आपने इनको इनको देखा हुआ है, नहीं तो नजर ही नहीं यहाँ पे, अगर आप कैमरा चेक कर लेते फिर। हाँ ये नहीं, कैमरे के भी कुछ हमने इतना किया होगा। स्मार्ट कौन होता है? अच्छा भाई ब्लाइंड फोल्ड से याद आया, आपको तो आदत है ही, गेम का नाम है नजर बंद, इसमें करेंगे ये एक एक करके आपकी आंखों में ब्लाइंड फोल्ड पहनाएंगे। यहाँ एक तस्वीर नजर आएगी, तस्वीर होगी किसी शख्सियत की, जगह की, चीज की या जानवर की, ठीक है। आपने सवालों से गैस करना है पूछ के कि ये चीज क्या है, ये कौन है या चीज क्या है। किससे करना है? मुझसे, और मैं हिंट्स भी दूंगा। मैं नहीं दूंगी क्या? आप भी करोगी? नहीं मैं हिंट्स नहीं दूंगी, हिंट्स नहीं, तुम बहुत घर तक पहुंचा दोगे, ऐसा नहीं करना। सैनिटाइज किया कि नहीं? लाए भाई इधर लाना भाई, मैं सैनिटाइज नहीं, आप है
नहीं पहले आप चलो भाई अमान भाई जल्दी से पहन ले इसके बगैर दिखाओ भाई पहला आइटम क्या है। वाह 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 हर डायरेक्टर की जान डायरेक्टर की पहचान ऐसा ऑब्जेक्ट क्या है चीज है चीज है चीज है चीज है चीज है वो रखने की रखने की अच्छा मेरा काम होता है इससे हमें क्या पता हमें क्या पता यार ये क्या हेल्प तो नहीं कर रहे आप भाई अब कुछ मतलब मेरी फील्ड से कोई आपकी फील्ड से ताल्लुक है नहीं है जब भी डायरेक्टर का जिक्र आएगा इसका जिक्र जरूर आएगा अच्छा। कुछ डायरेक्टर से काम लेते हैं कुछ काम इसी पे देते हैं बैठने की चीज है बैठने की चीज रखने की चीज है रखने की चीज है नहीं पहले वाला सही था बैठने की चीज बैठने की भी है रखने की भी है काउच तो नहीं है ये काउच है सोफा सोफा है ये तालियां होनी चाहिए भाई कुछ डायरेक्टर सीन में से काम लेते हैं सोफा रखा हुआ है कुछ इसी पे काम देते हैं मैं पहुंचा कैसे देखा आप बहुत अच्छा पहुंचे बहुत अच्छा पहुंचे देखा बेटा पहले मरे पहले एक एक करके करेंगे वाह 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 ओए होए नहीं इस तरह नहीं मरिए नहीं करना बदबू आ रही है इसमें से आपके मियाँ ने पहना है मैं क्या करता हूँ ये पड़ी लकड़ियां मत उठाओ पड़ी डंडियां मत उठाओ पहन लो बस खामोशी से सही लग रही हो बिल्कुल ठीक हो कोई नहीं पहचानेगा तुम्हें कि तुम मरियम नफीस हो वेरी नाइस बहुत अच्छी बात दिखाओ बेटा अब वाह वाह मरियम तस्वीर आ चुकी क्या है ऑब्जेक्ट है यूज करने नीचे देखो नीचे देखो मुंह पर नहीं करना हाँ यूज नहीं यूज नहीं होता ये अब्यूज अक्सर लोग कर जाते हैं भाई ऐसा है आपका बहुत गहरा ताल्लुक है लोग आपको छेड़ते भी हैं बर्गर अमान को अमान अरे क्या भाई वाह अब जो आइटम आने वाला है लिखाइए भाई ओए होए होए ये तो नहीं हो सकता दिल के नजदीक है ये कितनी कोई पेंडू तस्वीर उठाई है वैसे बस हाँ जी अमान पूछिए क्या है ये जगह जगह है जगह जगह है जगह एरिया है एरिया है एरिया नहीं जगह है मुकाम है मुकाम अच्छा कोई यहाँ भी रखते हैं मैं यहाँ भी रखते हैं कोई जगह है कोई सिटी है या कोई नहीं, नहीं हर सिटी में हो सकता है अच्छा हर सिटी बस खाली जगह पे हो सकता किसी भी खाली जगह देखते ये कर सकते हैं लोगों ने पूछा भाई खाली जगह हाँ ये यहाँ कर लो कोई बिल्डिंग है नहीं बिल्डिंग कोई बिल्डिंग के अंदर है लेकिन ये चीज बिल्डिंग के अंदर है बिल्डिंग के अंदर है बहुत गलत हिंट्स दे रहे हो मेरी मर्जी जो यहाँ बैठता है उसको जबरदस्ती मुस्कुराते रहते हैं यहाँ बैठता है उसको जबरदस्ती मुस्कुराते रहते हैं वॉशरूम है क्या मतलब कनेक्शन बना नहीं पाया मैं मैं भी नहीं बना पाया अच्छा इसमें अक्सर ऐसा होता है आते आप सिंगल हो इस जगह से जाते दो अक्सर ऐसा हुआ है यही होता है शादी हॉल है मस्जिद शादी हॉल नहीं है नहीं नहीं शादी हॉल नहीं है क्लियरली शादी हॉल नहीं है मतलब उसी का एक हिस्सा मगर करीब हो आप जगह पहुंच चुकी हो उसी का एक हिस्सा है स्टेज है वेडिंग स्टेज है स्टेज है वेडिंग स्टेज बस आखिरी मरियम के साथ भाई आखिरी मरियम के साथ अच्छा सा लगा भाई कितना ये सियाल ये चिनियोट की शादी का ए देखो भाई वाह आगे भी आगे क्या है ऑब्जेक्ट खाते हैं नहीं पीते हैं ना यूज करते हैं हाँ कैसे यूज करते हैं यू करते मतलब कैसा ऑब्जेक्ट घर में होता है घर में होता है इलेक्ट्रिसिटी ना बाबा किचन रिलेटेड है नहीं ड्राइंग रूम रिलेटेड अक्सर ये अपने इस्तेमाल के बहुत सालों बाद किचन तक भी पहुंच जाता है व्हाट हाँ पाकिस्तान में तो इसकी जान छोड़ता ही नहीं कोई किचन से निकलता है फिर गाड़ी ये काम आता है ये पोछा नहीं नहीं डस्ट डस्ट नहीं 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 हाँ ये बन जाता है आखिर में जाके शर्ट नहीं दुपट्टा कमीज
गैस नहीं करो, सवाल करो भैया। क्या क्लोथिंग आइटम है? क्लोथिंग यस, मगर स्पेसिफिक क्लोथिंग आइटम। बनियान। बहुत अच्छा खेला भाई आप दोनों, कमाल खेला आप दोनों, वाह वाह। कादिर आजाद वक्त है, छोटे से ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, वापस आइए, अस्ता मनाया कहीं नहीं जाएगा, तालियां। अमान बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। हाय मरियम, आई एम नौशीन शाह। बट यू वरंट इनवाइटेड। कुडंट केयर लेस। डी से आपने बोला था ना? जाने दे। डी 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 अब डी से, डी से दफा हो जाओ। Ladies and gentlemen, welcome back to Ask Aman. मेरे साथ मौजूद मरियम और अमान। अच्छा भाई अमान, ऐसा है कि आप इतने अच्छे बॉलर हो कि एक बार आपके दोस्तों ने वसीम अकरम को भरम करा दिया, अभी ऐसा बॉलर ला रहा हूँ आगरा का, क्या किस्सा था ये? हम खेलते हैं स्ट्रीट क्रिकेट, ठीक, और ये हमने खेली है साथ साथ खेली है, ठीक है। तो हमारे ये म्यूजिशियंस दोस्त, तो मेरे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, इमू फ्यूजन बैंड के, ठीक है। तो अच्छा, हम जब क्रिकेट खेलते हैं ना हर संडे, तो हम कोशिश करते हैं कुछ शूट ना रखें, कुछ और ना रखें। तो हमारे दोस्त थे, एक फैशन इंडस्ट्री के बड़ा नाम है, उनका ब्रंच था बर्थडे, ठीक है, ठीक है। तो हमने पहले तो कटाया, हमने कहा हम नहीं आ रहे, नहीं आएंगे। तो उन्होंने जाते जाते फ़ोन रख सकते थे, कहते अच्छा ठीक है नहीं आओ, लेकिन तुम्हारा हीरो वसीम अकरम आ रहा है। ये तो बड़ा, जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो खैर हम गए, अच्छा वहाँ चांस देख रहा हूँ कि किस तरह अप्रोच करूँ, कैसे करूँ, अब वो उस तरह का है भी नहीं ना, मतलब आप वसीम मैं वो कैसे लाइन दूँ कैसे। तो लक ये हुई कि इम्मू साथ खड़े हुए थे, इम्मू और हम क्रिकेट साथ खेलते हैं। तो मैंने इम्मू को कहा, इम्मू यार इंट्रोड्यूस तो करा। तो इम्मू ने इंट्रोड्यूस इस तरह कुछ कराया कि वसीम भाई ये अमान है, एक्सट्रीम फास्ट बॉलर, एक्सट्रीम फास्ट बॉलर। वसीम भाई ने जरा सोचा, कहते हैं हाँ यार मैं भी करता था एक ज़माने में बॉलिंग ऐसी, तो यहाँ ख़त्म हो जाना चाहिए था। वो कहते हैं नहीं वसीम भाई ये बहुत तेज़ है, गुड लेंथ से उठाता है। तो मतलब फिर ज़मीन पे ही जाने का, अंदर जाने का, दसने का चर्चा, गलत तारीफें करवाते। अच्छा वही वक्त आया कि एक गेम खेला जाए, इस गेम का नाम है हरूफ तहज्जी। गेम ये है, हम एक सिचुएशन में तीनों, और तीनों सिचुएशन में इस तरह से हैं कि हमें कॉन्वर्सेशन करनी है सिचुएशन में। जो पहले बोल पड़ेगा सीन के अंदर वो ए से स्टार्ट करेगा, जो दूसरी बार बोलेगा जवाब देने के लिए वो बी से कहेगा, सी से, फिर साइकिल चलती रहेगी, ए बी सी डी ई एफ और हम जेड तक पहुंचेंगे। जो बीच में गलत बोल गया वो आउट, ठीक है। चलो भाई, आपने कंटेंट निकालने के लिए भाई जान, हम तो यही करते हैं। अब ऐसा है कि ए से शुरू करना, कॉन्वर्सेशन ये है कि स्वात में एक डेस्टिनेशन वेडिंग है आप दोनों की है, और मैं वो अनइनवाइटेड गेस्ट हूँ जो वहां आया, ठीक है। अच्छा जो आया, हाँ हाँ, जो वहां पहुंच गया। अब आप 101 वहां गेस्ट हूँ, आपने मुझे देख के सरप्राइज भी होना है और वो भी करना है, मतलब जो भी हमारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। आप शुरू करें, मैं शुरू करें। तीन, अमान बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। हाय मरियम, आई एम नौशीन शाह। बट यू वरंट इनवाइटेड। कुडंट केयर लेस। डी से आपने बोला था ना? जाने दे। डी 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 अब डी से, डी से, डी दफा हो जाओ। डायरेक्ट इतना क्लियर कर दिया लड़का, कोई लिहाज ही नहीं था। एक गेस ज्यादा हो जाएगा तो आपको कुछ हो नहीं जाएगा। For somebody of your stature and you know you shouldn't have come here. गाड़ी उर्दू में बात कर सकती है? H I thought I'll never see you. जाजा मैं किसी और शादी में चली जाऊंगी। क्या बात कर रही हैं आप यार? लाहौर, लाहौर कब पहुंचोगे? मुल्तान से होती हुई जाऊंगी। एन नहीं यार, नहीं हो रहा मुझसे। ओ भाई जान, पकाओ मत, अगर कुछ है तो बताओ, कुछ खाने को ही दे दो प्लीज। क्यों? आर से बोलिएगा ना यार। नहीं मैं हार गया भाई। चलो आप हमें आर 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 क्यों रबिश बातें कर रही हो मरियम? स्टूपिड मत बनो। रबिश को जानती हो? You know that guy who's like a third class comedian? We
very much that guy who invites you every time to his show. W. Worrisome is that nobody comes to his show otherwise. His ex comes. ex comes. You know, he's got like so many crushes on people. But do you hang out with him? दलील करता है ना जब मरियम को बड़ा मजा आता है क्या 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 अच्छा भाई मरियम अमान डायरेक्टर हैं जरूर मगर आप एक एक्ट्रेस के हस्बैंड भी हैं कभी एक्टिंग का शौक पैदा हुआ है लाइफ में क्या ड्रामा करूंगा फिल्म में काम करूंगा इन्हीं के साथ कोई प्रोजेक्ट बनाऊंगा किसी ने ऑफर भी किया था दिया था मान कान पकड़ के क्यों अमान इसमें क्या आपके अंदर आपको क्या लगता है क्या कमी है जो एक्टिंग नहीं कर सकते नहीं मैं बताती हूँ जब मैंने पहले कभी ऑफर किए हो कि यू नो शुरू शुरू में आप आई डिडंट नो अबाउट हिज फील्ड दैट मच आई वाज लाइक यू नो आप ड्रामे का डायरेक्टर क्यों नहीं बनते रियली फन यू नो यू डायरेक्ट आई एक्ट लाइक आपका ड्रामा खत्म होता है 6 महीने हाँ ये तो है जितने आपके डायरेक्टर्स को पैसे मिलते हैं मैं 1 हफ्ते में कमाती ऐसा तो है नहीं नहीं पैसे का मसला ओके अब तो ड्रामे का मसला अब तो ड्रामों में पैसे मिल जाते हैं नहीं कोई नहीं किसको मिलते सिर्फ प्रोड्यूसर को पैसे मिलते अच्छे एक्टर्स को सिर्फ प्रोड्यूसर को पैसे मिलते हैं ड्रामों में नोबडी एल्स अच्छा आपको लगता है ड्रामे में अच्छा अभी भी लगता है पैरिटी है खवातीन में और मर्दों में तनख्वाह में अभी भी एक लास्ट कैटेगरी में भी मतलब आपको लगता है कि फवाद खान को ज्यादा मिलते होंगे मायरा को कम मिलते होंगे ऐसा लगता है आपको ऐसा होता भी है चलो ठीक है कब खत्म करोगी इन पे आवाजें क्यों नहीं उठाती तुम प्रोबेबली यार मतलब आप खुद आपको अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए ना आप कितनों के लिए आवाज़ जब लोग अपने लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं हम कितनों के लिए उठा रहे हैं ये बात भी तो इसी बात पे गेम खेलते हैं इसका नाम है बचाओ बचाओ के गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं फिलिप्स पर्सनल केयर उन्होंने आप दोनों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स भेजे हैं आप कैसा भी खेलो ये साथ जाएंगे ठीक है तो बचाओ में होगा ये कि आप साथ खेलेंगे आप दोनों एक साथ मिलकर जवाब देते हैं आपके दिल के करीब एक शख्सियत मुसीबत में फंसी हुई है उनको आपने 1 मिनट के अंदर 3 सवालों का जवाब देकर बचाना है अगर आप नहीं बचा पाएंगे तो मजीद मुसीबत में चले जाएंगे और अगर बचा लेंगे तो वो आजाद हो जाएंगे दिखाओ बेटा मुसीबत में कौन फंसा है आजम खान हमारी मुंह बोली औलाद आजम खान मुसीबत में फंस के भी इतने खुश हैं यार फंसने आए थे यार मुझे फंसा लो पहला सवाल बचाओ का भाई मेरे जान जवाब देने नहीं देना सही है जैसी मछली करीब आए शोर करना ऐसे 7 जानवर जिन पर बैठ कर सवारी की जा सकती है हाथी Camel, horse, गधा एक परिंदा भी है हाँ हाँ परिंदा दुनिया का सबसे बड़ा ड्रैगन ड्रैगन कौन सा जल्दी करो पता नहीं और आगे पूछो अरे भैंस पे भी चढ़ सकते हैं ऑस्ट्रिच पे भी बैठते हैं लोग यार थोड़ो अबे दे दे बस रोक ले दे दिया यार आजम अपना भी है ना 6 ऐसे कंट्रीज जिनका नाम बी से स्टार्ट होता है बोस्टवाना वाह बोस्निया बांग्लादेश बेरूत वो शहर है अच्छा ब्राजील बी और क्या है यूरोप में चलो ब्रिटेन बेल बेलारूस अभी 6 हुए बेल्जियम नहीं 1 मिनट 6 बोले थे स्टॉप हो गए बेलारूस अच्छा दुनिया के 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड पिरामिड ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हां वो जो देखने जा रहे ताजमहल ताजमहल दो वो जो जा रहे थे क्राइस्ट द रिडीमर ब्राजील में इतना बड़ा जो हां उसमें हाँ, तस्वीर भी है वो क्या वो वंडर है क्या जी जी 7 वंडर्स में अच्छा एक वो जहां खत्म हो चुका छोड़ दो डूब चुके वो कश्ती में कुछ नहीं बचा हुआ चलो नीचे वो चली गई होगा अरे ब्राजील की आपको एक स्टोरी सुनाऊं मैं सुनाता हूं अगर आजम बच जाते ना तो आप देखो क्या कर रहे होते नहीं ठीक है वैसे नीचे ठीक है ये बंदा वहां में अच्छा लग रहा है अच्छा ब्राजील की क्या स्टोरी थी अमान भाई इससे पहले कि आप ब्राजील की स्टोरी सुनाएं और सेंसर हो जाए मैं आप दोनों को ये गिफ्ट देना चाहता हूँ इस पे बरकत के हाथ लगाइए ये आपके साथ जाएंगे हाजिर हजरात आप ब्रेक लीजिए वापस आइए असलम राय कहीं नहीं जाएगा जे तो कदी रावी लंग जावे हयाती पंजाबी बन जावे मैं बेड़ियां 1000 तोड़ लां मैं पानी चो सानी चोड़ना जे तो कदी रावी लंघ जावे
प्रेजेंटेड बाय सेफ एक्सेल। मेरे साथ मौजूद है मरियम नफीस और अमान। अच्छा मरियम, मैंने सुना अभी एक हॉरर सीरीज भी कर रही हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा ये चुड़ैल भूत वगैरह, ये इतनी जल्दी बायोग्राफी करने की जरूरत क्या थी? अच्छा कैसा एक्सपीरियंस रहा चुड़ैल भूत में इन्वॉल्व होके? अच्छा था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जब आप वो देखेंगे यू विल सी कि इट्स नॉट एमेच्योर। अच्छा। उसके VFX, उसका पोस्ट बहुत अच्छा हुआ। ये टीवी पर आने वाली है OTT? ये टीवी, बट इट्स बहुत सारे स्टार्स हैं उसमें, सबने एपिसोडिक मैंने देखा ट्रेलर। या बहुत अच्छा लग रहा है वो। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एक्चुअली, सीरियसली। अच्छा अमान भाई, ब्राजील की बात हो रही थी, ब्राजील में आपका क्या किस्सा है? ब्राजील में भी किस्से छोड़कर आए हैं? हां काफी किस्से। क्या यार, ब्राजील में एक किस्सा ये था कि हम वहां फवेला होता है, स्लम्स जिसे कहते हैं ना, जो आपने देखा होगा कलरफुल उनके जो घर होते हैं, वो बड़ा खतरनाक एरिया होता है। जब हम वहां गए हमें बताया गया आपने वहां नहीं जाना। अब हम कराची के बॉयज़ गए थे, हमें तो एडवेंचर चाहिए था, तो क्रिमिनल चाहिए। हम घुस गए उसके अंदर, एक टैक्सी वाले को हमने कुछ थोड़ा से पैसे दिए गूगल कर ट्रांसलेट करके उसको करके। अच्छा हम अंदर जा रहे हैं, हमें कुछ इतना नज़र नहीं आया शुरू में, बस एक पतली सी रोड थी, उस रोड पे आप यू टर्न नहीं ले सकते थे। अब आपने एक बार आप जा रहे हो तो खान साहब नहीं जाते, अब आपने एग्जिट ढूंढना है। अच्छा हमारा ड्राइवर जो था वो, उसने अपनी अम्मी को कॉल कर लिया, गर्लफ्रेंड को कॉल कर लिया, वो मैंने पैनिक कर रहा है। हमने कहा पता नहीं क्या है, तो अपनी जैसी गलियां हैं कराची, ऐसी गलियां रोज का हमारा। तो खैर हम थोड़ा सा आगे गए तो फिर हमें गन्स वगैरह नजर आना शुरू हो गई, बुलेट्स और गन्स और ये। तो खैर अब हम भी थोड़ा सा वो हो गया, हाँ वहाँ हमारी ये सेटिंग चल रही है कि एक आएगा कोई लेने फोन तो एक नीचे डाल देंगे, एक दे देंगे, जो हमारी कराची एक्सपीरियंस होता है। खैर फिर वो है कि एक रोड के बीच में एक आदमी आ गया, गन उसके हाथ में, यहाँ उसने एक बर्ड मकाओ रखी हुई और गोल्ड का दांत, बिल्कुल हॉलीवुड का कैरेक्टर निकला हुआ। उसने रोका, उसने कहा कम आउट। अच्छा हम दो हफ्ते से ब्राज़ील में इंग्लिश किसी को नहीं आती, इसको आती थी बिल्कुल, ड्राइवर को नहीं, नहीं जो जो सामने बंदा था, था। गैंगस्टर था, ठीक है ना, उनका काम ही इंग्लिश का है। व्हाट यू डूइंग, काम करते थे, व्हाट यू डूइंग, यू नो, ग्रिंगो, ग्रिंगो कहते हैं, ग्रिंगो, ग्रिंगो। हमने कहा अच्छा हमें वो स्टेडियम नजर आया जहाँ फाइनल था, दो दिन बाद फाइनल था। हमने कहा वी जस्ट केम टू टेक द पिक्चर, यू नो फोटोग्राफर। तो कह रहे वेयर यू फ्रॉम, ग्रिंगो फोटोग्राफर। तो एक दोस्त था वो, उसका अमेरिका का था, तो मैंने कहा तुम तो ना बोलना, तुम्हें तो पता नहीं है यही, तू ना बोल, तू ना बोल, हम आपस गरीब मुल्कों का मामला है। अच्छा मुझसे पूछा था तुम क्या बोलूं कैसे बोलूं, फिर मैंने बोल दिया पाकिस्तान। डर गया होगा, अरे अरे पाकिस्तान सुनो, पाकिस्तान। जब उसने बोला कहता पाकिस्तान, मैंने कहा यस, तो कहता है पाकिस्तान, पाकिस्तान। तो मैंने कहा यस, तो वो उसको ड्राइवर को बुलाता, कहता है टेक विद पिक्चर विद पाकिस्तान ग्रिंगो। ये हमसे बड़े गैंगस्टर आ गए, सोचे मोबाइल निकाल के दे देते ना, दांत निकाल के, दांत सोने का दांत, मोबाइल घर पे और भी कैश है, ऐसी इज्जत और कहीं नहीं मिली। वाह वाह, उसी इलाके में मिलती है, बहुत बड़ी बात। अच्छा भाई शो खत्म करने से पहले आज की खुशी का मौका, हमारे पास ऑडियंस में बड़ा टैलेंट पड़ा हुआ है, कुछ लोग आए जो हमें गाना सुनाना चाहते हैं। मरियम चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद अली रजा। अली तुम्हारा बैंड है कोई या तुम तीनों दोस्त आपस में ऐसी इंडिविजुअली काम करते हो, क्या सीन है? नहीं मैं इंडिविजुअली गाता हूँ, वैसे गिटारिस्ट मेरा क्लास वाला था। क्या नाम है गिटारिस्ट का? पूरा बैंड इंट्रोड्यूस करो। फिजान। फिजान, फिजान, फिजान आप गिटारिस्ट हैं जी, आप और आप हैं उसके वोकलिस्ट। ठीक है तो क्या सुनाने लगे हो आज? हम थोड़ा सा मैशअप था, छोटा सा मैशअप, जल्दी से। अच्छा सा पास तेरे में, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है, अब तो जिंदा हूं मैं इस नीले आसमान। Ah, 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 ah.
तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में. वेरी नाइस वेरी नाइस भाईजान. आप सिंगल पेटी में हो जी. आ जाओ भाई आप भी गाना सुनाए. क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैन. जैन क्या किस जॉनरे का गाना गाते हो? किस मैं सीखा वगैरह नहीं है बस खुद से ही गाता हूँ कोई भी सेमी क्लासिकल टाइप और थोड़ा पॉप. जल्दी जल्दी सज्जाद अली का सॉन्ग है रावी. बहुत रावी रावी जे तो कदी रावी लंग जावे हयाती पंजाबी बन जावे मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला मैं पानी चौसा निचोड़ ला जे तो कदी रावी लंघ जावे हाय जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं जे संग बेली यार कोई ना ते किसे नू सुनानी कोई नहीं अखां च दरिया कोल के मैं जख्मा दी थां ते रोड़ना जे इत्थों कदी रावी लंघ जावे हयाती पंजाबी बन जावे मैं बेड़ियां हजार तोड़ना मैं पानी चौसा निचोड़ना जे तो कदी रावी लंघ जावे. बहुत आए थैंक यू. आप देखिए रॉ टैलेंट है पाकिस्तान का यार बगैर सीखे हुए. गेस्ट से ज्यादा टैलेंट तो ऑडियंस में था यार. होस्ट से ज्यादा भी. होस्ट से भी बहुत ज्यादा. वापस बिल्कुल मेरे से भी ज्यादा टैलेंट था यार. बस मुझसे तो बहुत ज्यादा. अब वक्त आ चुका है शो के अख्ताम का लेकिन क्योंकि बकरीद का मौका है तो हमने AI को यानी हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ सजेशंस दिए इस तरह की तस्वीरें बनाओ. हमारे सेगमेंट का नाम है जोर से आई. ठीक है देखो बेटा अगर बकरा मोटरसाइकिल चलाता हो तो कैसा होता है? ताबीज जैसा लग रहा है. जॉन बकरा लग रहा है. जॉन अब्राहम का बकरा. देखो बेटा अगर बकरा एक्शन हीरो होता है तो कैसा होता है? कितने प्यारे बकरे. बहुत प्यारा बकरा लग रहा है. दो दो लाख का बकरा मिलेगा ये लेकिन ये मुझे दो दांत का नहीं लग रहा. बकरा अगर क्लब में पार्टी कर रहा हो बेटा ये थोड़ा गधे में बकरा आया है. गधे में बकरा है. अच्छा बकरा अगर मूवी डायरेक्टर होता तो बकरा अगर स्पोर्ट्स कार चलाता अच्छा लग रहा. बकरा अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता ये भी बेहतर चला लेता. बकरा अगर सेल्फी ले रहा होता यार मुझे ये बकरे चाहिए यार. मैं आपको बकरे दिला दूं. ताली होनी चाहिए बकरों के लिए. ये लोगों को कटाओ बकरे लाओ. भाई वो पहले ही कुत्ते की टेंशन में फंसा हुआ बंदा बकरा भी ला दूं मैं. बहुत ही रात आज का शो कमाल था. मेरे साथ मौजूद थी बहुत ही प्यारी मेरी बहुत अच्छी दोस्त. मैं को टीज करता हूँ और अपना हक समझ के करता हूँ. नाराज तो नहीं जाती ना? नहीं नहीं वो भी जो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा. मरियम नफीस और अमान मेरे साथ मौजूद. थैंक यू अमान फॉर बीइंग ऑन असना मनाए. थैंक यू. और खावतीन हज़रात जाने से पहले करता हूँ मैं कमाल की बात. आज ही कमाल की बात RJ रिश्त कहती हैं. पता नहीं कहते हैं या कहती हैं इतना मुश्किल नाम बट जो भी है इन्होंने कहा है. कहते हैं कि रिस्पेक्ट इज अ टू वे स्ट्रीट. इफ यू वॉन्ट टू गेट इट यू हैव गॉट टू गिव इट. यानी इज्जत जो है वो दो तरफा मामला है. अगर आपको चाहिए तो आपको देनी भी पड़ेगी. खावतीन हज़रात बच रहे हैं 11:55 घड़ियों में. 11:55 पे क्या करते हैं आप लोग रात के? खाना खा रहे होते हैं. 11:55 पे खाना खाते हैं आप? घर आते हैं. घर आते हैं कुछ ऐसे ही चल रहा होता. हाँ जाते हैं जो 11:55 पे घर आते हैं. काम ही ऐसा है भाई. भाई इन्हीं के पास काम है पूरी दुनिया में. हम तो बेकार हैं. जो भी बज रहा है जो भी करना है खवातीन हज़रात आप अपने अपने इस्तेदाद के मुताबिक कीजिए मगर सुबह जल्दी उठिए पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए. गुड नाइट अल्लाह हाफ़िज़.